ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के रेसलिंग के खिलाड़ियों ने डीएवी स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके विद्यालय व जिला का नाम रोशन किया है। डीएवी हमीरपुर की कुश्ती की टीम ने डीएवी बिलासपुर में आयोजित स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में पहले बार स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और स्टेट चैंपियन विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के रेसलिंग के खिलाड़ियों ने डीएवी स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके विद्यालय व जिला का नाम रोशन किया है। डीएवी हमीरपुर की कुश्ती की टीम ने डीएवी बिलासपुर में आयोजित स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और स्टेट चैंपियन विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डीएवी हमीरपुर के कुश्ती के खिलाड़ियों में रजत, अवे और ऋषि ने अपने शानदार खेल से गोल्ड मेडल प्राप्त किए। शुभम, अनमोल और अक्षित ने सिल्वर मेडल जीते। तनुज और आकाश ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। डीएवी हमीरपुर के रेसलिंग कोच प्रवीण कुमार मनहास ने बताया कि विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए रेसलिंग कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कुश्ती के विभिन्न दांव पेच सिखाए जा रहे हैं। डीएवी के 6 खिलाड़ी डीएवी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं, जो दिसंबर में हैदराबाद में आयोजित होगी। बच्चों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। कुश्ती विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए भी एक सहायक खेल है। डीएवी प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा का कहना है कि वर्तमान में कुश्ती में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण खेल है। डीएवी के विद्यार्थियों को कुश्ती में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों और कोच प्रवीण कुमार को बधाई दी।